सो गाइज वेलकम बैक टू द कैट। आज हम खड़े हैं इलेक्ट्रिक वन के शोरूम पे जो कि है डीलर फेस वन में, और आज हम बात करेंगे बैटरी के स्टोरी मॉडल के बारे में। यस, आज हम बात करेंगे इसमें क्या मिलता है आपको और क्या रेंज है इसकी और इसकी बैटरी कौन सी होती है, कितने किलो वॉट की बैटरी है, सारी बात करेंगे आज की वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और चलते हैं सीधा वीडियो पे और बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी पूरी बॉडी है मेटल शेप में। यस, ये पूरा मेटल है, कोई भी पार्ट आपका प्लास्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी मेटल बॉडी है। मीन्स की इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, नो डाउट। और इसमें मिलते हैं आपको हेलोजीन की लाइट जो कि दिखने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइट करती है रात के टाइम पे। और इसका लुक भी एक स्कूटर की टाइप का ही है जो आपको टीवीएस पे मिलता था और जैसे कि आपने वेस्पा में देखा होगा वैसा ही कुछ इसका लुक है। अब आपको दिखाता हूँ साइड से कैसा लुक है इसका। साइड से इसका कुछ ऐसा सा लुक है, यहाँ पे आपको स्टोरी की ब्रांडिंग मिल जाती है और पीछे भी आपको एक एलईडी लाइट मिलती है और पीछे एक बैठने के लिए सपोर्टिंग के लिए एक ग्रिल मिलती है कि आप पीछे गिरो मत। स्कूटर दिखने में बहुत ज्यादा यूनिक है नो डाउट। यहाँ भी आपको एक स्टोरी की ब्रांडिंग मिल जाती है और आपको बीच में बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, आपको कुछ सामान रखना हो बाय चांस तो उसके लिए भी आपको दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया आपको एक चार्जिंग स्लॉट, यहाँ से आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया गया कुछ लटकाना हो बाय चांस, आपको कोई भी कुछ चीज कैरी करनी हो तो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मीटर मोड की। मीटर मोड कैसा है इसका, ये मैंने ऑन किया तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग में शो करता है आपको। और ये है इसका मीटर मोड, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर बैटरी है 99% और रेंज दिखा रहा है 128 किलोमीटर। यस, आपको यहाँ पे एक स्कैनर दिख रहा है, ये स्कैनर का यूज ये है, ये है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपको बैटरी की एक ऐप डाउनलोड करनी है और इसको स्कैन कर देना है तो यहाँ पे आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा और आपको हर एक चीज अपने फोन में दिखेगी कि क्या टाइम हो रहा है, वो सब यहाँ पे शो होगा, टाइम, रेंज, बैटरी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर बाई चांस आप घर के अंदर हो और आपका स्कूटर बाहर खड़ा हुआ है तो आप घर के अंदर बैठे बैठे भी चेक कर सकते हो कि हाँ आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो गई है। और बाई चांस अगर आपने ये स्क्रीन ऑफ कर दी तो वो कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, ये स्क्रीन ऑन होनी चाहिए तभी आपके फोन से आपका स्कूटर कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं लाइटिंग के, ये आपका इंडिकेटर हो गया, ये आपका हॉर्न हो गया, ये आपका लेफ्ट इंडिकेटर हो गया, ऐसा कुछ इसका सेल्फ है। और इसमें मिलता है आपको रिवर्स मोड और ये आपके तीन गियर हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। और इसमें मिलता है आपको ड्रम ब्रेक जो कि है बहुत ही कंफर्टेबल ब्रेक, आपको गिरने का कोई डर नहीं होगा। और जो ये टायर देख रहे हो आप, ये है ट्यूबलेस। यस, दोनों टायर ट्यूबलेस मिलते हैं आपको इसमें, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस स्कूटर का। सो गाइस, लाइट रहती है आपकी इसमें येलो। सो ये हो गई हमारी डिजाइन की बात, अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। ये रहा आपका चार्जर, चार्जर मिलता है आपको 10 एम्पेयर का। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। बैटरी मिलती है इसमें आपको इन्वर्टेड की जो कि है 3.1 किलोवाट की। इसका चार्जिंग टाइम है 3 to 4 आवर्स और ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पेस मिल जाता है यार, नो डाउट इसका बूट स्पेस बहुत बड़ा है, आपको इतना स्पेस मिल जाता है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ मिलता है आपको किल स्विच इसका, ये भी अंदर दिया गया है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो डायरेक्ट। आपको अगर बाई चांस आप इग्निशन से ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका किल स्विच है, आप यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हो। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, ऐसी कुछ इसकी बिल्ड क्वालिटी है, नो डाउट अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि हाँ ये कितनी तेज चलती है और क्या इसकी टॉप स्पीड है। और मैंने यहाँ पे अपना स्कूटर ऑन कर दिया है और अभी लगा हुआ है पहला गियर, तो अब चेक करते हैं इसकी फर्स्ट गियर पे टॉप स्पीड क्या है। अभी लगा हुआ इको मोड, मैंने पूरा एक्सीलेटर दे दिया है और उसकी टॉप स्पीड दिखा रहा है 52 जो कि है बहुत सही। यस, अब लगाते हैं सेकंड मोड। सेकंड मोड है हमारा कंफर्ट मोड, ठीक है। अब इसकी स्पीड देखते हैं, कंफर्ट मोड की स्पीड जाती है हमारी 70। ओ नाइस, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है कि आपका स्कूटर चलेगा इसमें 99 किलोमीटर और जो हमारा पहला मोड था जो कि था इको मोड उसमें चलेगा आपका स्कूटर 128 किलोमीटर, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं थर्ड मोड। थर्ड मोड है हमारा स्पोर्ट्स मोड, इसमें आपका स्कूटर चलेगा 79 किलोमीटर और इसकी देखते हैं टॉप स्पीड क्या है। इसकी आपकी टॉप स्पीड जा रही है 80 के पास जा रही है गाइस की टॉप स्पीड, जो कि ये भी बहुत सही है, ठीक है।
सो ऐसा कुछ इसका टॉप स्पीड का हमने देख लिया खड़ी गाड़ी में। अब एक बार इसका हॉर्न सुनते हैं, हॉर्न की आवाज कैसी है। हॉर्न की आवाज ही बहुत सही है, नो डाउट। सो गाइज अब हम इसको चला के देखते हैं और चेक करते हैं कि चलाने में कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि खड़ी गाड़ी पे मैंने चेक किया अभी तक। तो अब मैं ड्राइव करता हूँ इसको, चलाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कितना मजा आता है ड्राइव करने में, कितनी कंफर्ट है। सो गाइज अभी हमने लगा रखा है इको मोड और ये ना बहुत ऊंची गाड़ी है यार, मेरे पैर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अब चेक करते हैं कि कैसा कितना मजा आता है, कितना कंफर्ट है इस गाड़ी में। पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ मैं। ओह भग रही है गाइज, ये तो बहुत तेज भग रही है भाई। चलो गाइज चेक करते हैं। नाइस 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 नाइस। ये मैं लगाया पीछे वाले ब्रेक, ये गड्ढे भी आए गाइस, बहुत सही सस्पेंशन है इसके। तो अब चेक करता हूँ कितनी जा रही है, आगे गाड़ी आ गई, लेकिन अभी तक तो मुझे चलाने मज़ा आ रहा है। सो गाइस अब लगाता हूँ मैं यहाँ पे अपना कंफर्ट मोड और अब चला के देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। पिकअप भी बहुत अच्छा है, एक्सीलेटर देते ही भाग रही है गाड़ी। अब चेक कर लेते हैं गाइस इसका स्पोर्ट्स मोड, ये हमारा ब्रेकिंग सेंसर लग गया है इसमें, है ना। अब स्कूटर यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब लगाते हैं अपना सीधा स्पोर्ट्स मोड। सो गाइस अब चेक करते हैं कि ये 25 तक कितने सेकंड से पहुँचती है। 3, 2, 1 एंड गो। 1, 2, 3, 4, 5 गाइस 5 सेकंड लग गए स्पोर्ट्स मोड पे इसको पहुंचने में। ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस जैसा कि मैं चला के मेरे को जो फील हो रहा है ना इस टाइम पे, बहुत कंफर्ट फील हो रहा है। सो गाइस आपने देखा इसको ड्राइव करने में, चलाने में इतना मजा आया मुझे, कसम से ऐसी फील सबको आनी चाहिए। तो आप ये स्कूटर प्रेफर कर सकते हो। और अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की कि ये स्कूटर है कितने का। अभी हम खड़े हैं गुड़गांव के डीलर फेस 1 में और यहाँ के शोरूम मैनेजर से बात करते हैं, ये बताएंगे हमें कि ये स्कूटर कितने का पड़ेगा आपको। हाँ जी भैया, आपका नाम? सचिन। सचिन, सचिन भैया आप बताइए क्या प्राइस है इसका आपके शोरूम पे। ये आपको गुड़गांव के एड्रेस पे 1,30,000 का पड़ जाएगा ऑन रोड। ऑन रोड सब कुछ मिला के, GST, रोड टैक्स जो भी है, समथिंग सब मिला के, सारा कुछ मिला के आपको ऑन रोड ये 130 का पड़ जाएगा। 130 का पड़ जाएगा ना। और कुछ कोई ऑफर दोगे आप, किसी चीज़ का कोई ऑफर है यहाँ पे? अभी हमारे पास कोई ऑफर नहीं है, फेस्टिवल ऑफर्स आता है उस हिसाब से हम डील करते हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस आपने देखा ये मिलेगा आपको 1,30,000 रुपए का स्कूटर। सो आप इलेक्ट्रिक वन के शोरूम पे आ सकते हो जो कि है गुड़गांव डीलर फेस 1 में। मैं नीचे एड्रेस दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी आप बताना कि आपको स्कूटर कैसा लगा और इसके रिव्यूज क्या है आपके लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।